स्टेप बाय स्टेप जो है पत्ते के ऊपर पत्ते रख के और जो है पेस्ट को जो है लगाते रहते हैं, तेल में जो है तले से उसको उठा के इसमें जो है डाल देंगे। गुड इवनिंग दोस्तों, आज जो है आप सोच रहे होंगे कि आज मैं आपको गुड इवनिंग क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों आज जो है शाम हो चुकी है और सुबह से जो है ब्लॉग अभी मैं ब्लॉग जो है शुरू कर रहा हूँ और अभी जो है समय हो गया करीब 4:30 और आज जो है हम अपने घर पर जो है बनाएंगे अरवी की पत्ती की सब्जी और उसकी पकौड़ी जो कैसे बनती है आपको जो है इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो अभी हम शाम हो गया तो अभी चाय पी के जो चलेंगे मार्केट में, मार्केट में जाने के बाद वहाँ पे आके अरवी की पत्ती खरीदेंगे और थोड़ा आपको मार्केट में थोड़ा इधर उधर दिखाएंगे गाजी का मतलब मार्केट कहाँ पर लगता है सब्जी बाजार। उसके बाद जो है घर पे आएंगे बाइक लेके और आपको जो है वीडियो में जो है आपको बताएंगे कि अरवी की पत्ती की सब्जी कैसे बनाते हैं हम लोग। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए, अभी देखिए जो है। और दोस्तों कल रात को जो है ना करीब 12 बजे 12:30 बजे हमारे इधर जो है इतना तूफान आ गया और हवा जो है बहुत तेज चल रही थी और हमारे इधर जो है एक और आपको बता दें कि एक और गांव में जो है हमारे जो ट्रांसफार्मर है वो जल गया है। तो अभी फिलहाल लाइट जो है कल से जो है लाइट बिल्कुल नहीं है हमारे यहाँ, जो लगा हुआ सोलर वही चल रहा है। रात में जो है किसी किचन का जो है लाइट भी जल रहा होगा, रात में जो वही चलता है। और अभी जो है शाम हो चुकी है और मौसम देखिए ऐसा कुछ है, अभी धूप हो गई है, देखिए धूप जो है यहाँ पे आ गई है, देखिए मौसम इधर पूरा जो है धान जो है। और ये हम लोग का जो है रास्ता और आपको जो मैं दिखाता हूँ समय समय हो रहा है, देखिए 4:30 बजे हैं, 4:35 जो है हो गए हैं। अभी चलते हैं गाड़ी को जो है पूछेंगे चाय पीने के बाद, उसके बाद बाइक निकालेंगे बाहर और चलेंगे मार्केट। तो चलिए चलते हैं मार्केट में, हम लोग आ गए मार्केट में। देखिए जो है अरवी की पत्ती जो है हम लोग ले रहे हैं, ऐसे ही जो है रख के लोग बेचते हैं। और ये जो है हम लोग आए हुए हैं अभी स्टेशन पर, गाजीपुर का जो स्टेशन है सिटी स्टेशन, देखिए ये जो है ऊपर लिखा हुआ भी है, देखिए लिखा है इधर गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन, और यहीं से जो है हम ले रहे हैं अभी। ये पूरा इधर का जो है शाम को मार्केट लगता है और हम लोग जो है अभी आए थे जो है आमचूर लेने के लिए मार्केट में। तब तो एकाएक दोस्तों देखिए बारिश हो रही है, बारिश शुरू हो गई और अभी जो है इधर ही हम लोग रुके हुए हैं। देखिए हम मार्केट से जो आ गए हैं और देखिए पत्ता जो है और कल जो है हम लोग लेके आ गए हैं, देखिए 10 रुपये में मिला है 20 पत्ता। आपने वीडियो में देखा होगा यहाँ से हम लिए हैं, जब रख के जो है काजू सब बेचती रहती हैं गांव की ओर से। और इधर ले लिए हम लोग बेसन और इधर जो है नींबू ले लिए हम लोग, देखिए 10 रुपये का जो है 3 नींबू मिला है। और इधर में हमारा लहसुन वसुन जो है सब कट रहा है, लहसुन देखिए सफाई जो है इतना हो गया, इधर प्याज है। देखिए पत्ती के पीछे ये जो डंठल ही रहा है ना, इसको देखिए चक्कू से जो है इसको काटना पड़ता है बनाने के लिए। देखिए जैसा ये है सब पत्ती में जो है, पीछे से खोल के दिखाता हूँ आपको, देखिए ये इसमें जो है डंठल देखिए नहीं दिख रहा है ना, पीछे से इसको जो है डंठल को जो है काटना पड़ता है। और इसकी इसकी जो है सब्जी और इसका इसका जो है भजिया ही बनता है, पकौड़ी जिसको बोलते हैं, और बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। और भजिया ही खाएंगे, बनाकर देखिएगा आप लोग और आपको भी खिलाएंगे, वीडियो बने रहिए। ये 20 पत्ते हैं।
इसको देखिए, एक एक जो पत्ते को जो है अच्छे से पानी में जो है धो के, पानी दोस्तों इस पर जो है टिकता नहीं, देखिए पानी जो है कैसे गोल गोल बन के गिर जा रहा नीचे। एक एक पत्ते को अच्छे धो के इसको जो है प्लेट में रख लेंगे। इधर में देखिए जो है इतना जो है प्याज है और दो तीन मिर्चा है और लहसुन है, और ये जाएगा मिक्सर में, मिक्सर से, और जो है अदरक है, और मिक्सर में जो है इसको पीसेंगे अभी। और इन्वर्टर जो है, ये किचन में जो है वायरिंग नहीं हुआ है इन्वर्टर का, इसलिए चलिए चलते हैं रूम में। रूम में जो है इन्वर्टर का जो है वायरिंग हुआ है, और लाइट तो है नहीं हम लोग के यहाँ कल से। देखिए चलते चलते नहीं चलता है मिक्सी। मसाला जो है देखिए पिस गया है। चलिए अभी इन्वर्टर को जो है बंद कर देते हैं, मिक्सर जो है निकाल लेते हैं, रखो इसको। चलो इधर मसाला पीस गया है, और इधर देखिए बेसन जो है मार्केट से लेके आए थे हम लोग, अब उसको जो है पानी में जो है घोला जाएगा। ये वीडियो आपको दोस्तों अगर अच्छा लगे तो वीडियो को जो है लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब नमक जो है आप मिला सकते हैं स्वाद अनुसार, नमक कम हम लोग खाते हैं, नमक कम डालेंगे। और ये धनिया पाउडर, और ये हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च थोड़ा सा इस डालने से थोड़ा कलर और टेस्ट जो है इस काला हो जाता है। और ये रहा गरम मसाला, और ये पीसे हुए मसाले, देखिए पीसे हुए मसाले जो है इसमें मिला देंगे हम दो तीन चम्मच, और अब इसको जो है मिलाएंगे। बेसन और जो मसाला डाला है हमने तुमने सबको जो है मिक्स कर देंगे, और थोड़ा सा पानी भी ले लेंगे। अभी जो है समय भी हो रहा है मेरे नहाने का, नहा के जो है पूजा भी करने का, तो चलिए इसको जो है बना के रख देंगे, उसके बाद नहाएंगे पूजा करेंगे, फिर वीडियो में आपको जो है दिखाएंगे। इसको देखिए, इसको जो है अच्छे से जो है इसको पहले फेंटते हैं। दोस्तों देखिए हम आ गए फिर से किचन में, और जो है अपना पूजा पाठ सब हो गया। और देखिए ये जो है ना आम का अचार का जो है पेस्ट है, और इसको जो है डालना जरूरी होता है, क्योंकि जो है इस ये पत्ता जो है खाने से जो है गले में जो है खुजली हो जाएगी, तो इसको मतलब बंद करने के लिए, ख़त्म करने के लिए वो जो है खट्टा डालना पड़ता है। हम लोग गैस लेने के लिए वो सिटी माला उधर, हम लोग गैस लेने के लिए आमचूर, लेकिन जो है मिला नहीं, छोटा पैकेट नहीं मिल रहा था, बड़ा पैकेट मिल रहा था, तो बड़ा पैकेट का कोई काम नहीं है, इसलिए हमने नहीं लिया। वो देखिए आम का जो है ये बन गया है पेस्ट, और नींबू है, नींबू भी पड़ जाएगा उसमें, आप आमचूर और नींबू जो है कुछ भी डाल सकते हैं। और देखिए इसको जो इसी में जो है जो पेस्ट बनाते हैं उसी में मिला देंगे,
और इधर हमारा जो है चावल जो है बन रहा है। चावल जो हो गया है, दो सीटी लग गया चावल में तो हो गया वो। और इधर में आटा भी जो है गूंथ के लोग जो है रख दिए हैं इधर। और इसको जो है इस पत्ते पे जो है इसका जो पेस्ट है अभी जो है देखिए फोल्ड कैसे किया था, आपको दिखाऊंगा वीडियो में। 200 ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो जो है आपको पूरा प्रोसेस दिखाने के लिए पूरा वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप वीडियो में बने रहिए। देखिए इसको जो है पेस्ट को जो है देखिए पत्ते पैसे लगाते हैं हम लोग। इसको दोस्तों ये जो है लग रहा है कि जैसे पत्ते पे हल्दी लगा रहे हैं हम लोग, ऐसा कुछ लग रहा है। जोक सपाट स्टेप बाय स्टेप जो है पत्ते के ऊपर पत्ते रख के और जो है पेस्ट को जो है लगाते रहते हैं। अब देखिए इसको जो है ऐसे जो है रोल करेंगे। रोल करके जो साइड में जो होल है उसको जो है उसमें जो है थोड़ा सा जो पेस्ट है उसको भर देंगे ताकि पेस्ट जो है चारों तरफ जो है लग जाए। देखिए हम लोग का जो है एक जो है रोल तैयार है। अब दूसरा रोल उसी तरह प्रोसेस कर देंगे। देखिए 20 पत्ते में जो है एक ये बना है और ये देखिए कि दूसरा वाला बन के रेडी हो गया। अब इसको जो है इसको क्या किया जाएगा, इसको जो है पानी में जो है अब इसको जो है जैसे मोमो बनता है ना उसी तरह इसको जो है अब इसको जो है भापी आ जाएगा पानी में, इसको जो है उबालेंगे अभी। देखिए इसको पानी में जो है उबालने के लिए देखिए ऐसा कोई बर्तन लेना पड़ेगा आपको जिसमें होल रहे। बर्तन पे जो है सरसों का तेल जो है चारों तरफ लगा देंगे ताकि ये चिपके नहीं। देखिए कढ़ाई में जो है पानी जो है गर्म करने के लिए रख दिए हैं। हमारा जो है हो गया है ये पत्ते का जो है फूल का जो बनाया हम लोग ये रेडी हो गया है। अब इसको जो है चाकू से जो है काटेंगे, चाकू से इसको काटेंगे अभी। लेकिन इसको जो है अभी ठंडा करना है तो ऊपर से लेके आते हैं फैन और लगाते हैं इसमें, थोड़ा हवा दे देंगे थोड़ा जल्दी ठंडा हो जाएगा।
देखिए पंखे में जो है इसको जो रखा था और जो है ये अब ठंडा हो गया। देखिए इसको जो है पीस पीस जो है ऐसे काट लेंगे चाकू से। देखिए जो है ये जो काटे थे हम लोग उसको जो तेल में जो है तल रहे हैं। अब जो मसाला जो हम लोग पीसे थे मिक्सर में अब उसको जो है कढ़ाई में डाल के भून रहे हैं। अब इसको जो ढक देते हैं और इसको थोड़ा पकने देते हैं। डालेंगे मसाला इसमें और स्वाद अनुसार जो नमक भी जो आप डाल लीजिएगा और जो है ये डाल लें धनिया पाउडर। और इधर जो है टमाटर कटा हुआ है टमाटर भी डाल देंगे। टमाटर दोस्तों डालेंगे इसलिए क्योंकि जो है ये जो है गला जो है नहीं पकड़ेगा, नहीं तो गला बहुत से पकड़ता है। खाने के बाद आपको लगेगा कि गले में खुजली होने लगी। इसको ढक दीजिए। अपना खाना वाना रेडी हो गया है। अब चलिए जो है खाते हैं खाना और समय हो गया अभी 9:30 दोस्तों समय हो गया है। देखिए अपना इधर जो है सब्जी बन के रेडी है और चावल है और रोटी भी है। इधर जो है मूवी चल रही है। अब अपना खाना आ गया। अब चलिए खाना खाते हैं उसके बाद मिलते हैं आपसे। दोस्तों अपना जो है खाना पीना हो गया है और अभी जो है 9:45 हो गए। चलिए इस वीडियो को दोस्तों यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं कल के वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और गुड नाइट दोस्तों।